जय श्री राम। इस ऑडियो में आप सुनेंगे नीब करौरी बाबा के बारे में। अभी तक उनके बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम उनकी जीवनी से शुरुआत करेंगे, जो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी इस चैनल पे सुना होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने जो उनके साथ लीलाएं हुई, तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में जो भी बताया है, तो वो छोटी छोटी घटनाओं में आप आगे के ऑडियो में सुनेंगे। ऐसे तो ये ऑडियो बहुत ही बड़ा है, करीबन 20 घंटे की होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस सीरीज़ में धीरे धीरे पार्ट बनाऊँ। अभी जितना संभव हो पाता है मेरे लिए, मैं उतना इस ऑडियो में अभी आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। तो आइए सुनते हैं नीब करौरी महाराज के बारे में। एक दिन कुछ ग्राम वासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ तुम चलो, हम भी यहां लाएं। और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुंचे तो पाया कि बाबा जी वहां पहले से उपस्थित हैं। और जब गांव पहुंचे वापस तो पता चला कि बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे थे। परंतु सारा कथानक बाबा जी का एक और कौतुक बनकर रह गया गांव वालों के लिए। वे ना समझ पाए, बिनु पद चले यहां उहां दुई बालक देखा। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब प्रारब्ध हुआ बाबा जी का कौतुक। वैसे की दुकान में भीषण आग लग गई, धुआं ही धुआं चारों ओर। और कोई उपाय न देख वैसे दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए। महाराज जी ने उसके लिए किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुझसे। तो वह रोने लगा। तब दया निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैसे की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चे ही जली थी। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी, महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे मंदिर के आगे, लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैसे को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के नाम से महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत है। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा है। परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया, पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारी कुएं मीठे हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे।
परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे उबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापिस चले आए। नयन बिनु देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, एक ही बात थी उनके लिए। महाराज जी की आज्ञा थी मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा, रात को भी। एक माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए, परंतु बाबा जी से यह चोरी कहां छिपी रह सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपनी को मुक्त ना कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दिन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उदरस्त किया और चोरी ना करने का वायदा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो बाबा जी ने। एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वैसे ही हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गई तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर आओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा। बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब यह ठीक हो गया है। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहां चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बाबा जी महाराज की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर अपने अर्धविकसित मस्तिष्क वाले एक गूंगे लड़के को लेकर महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है, बड़ी आशाएं लेकर। उपचार हेतु अकबरपुर वालों से अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहलवा भेजा कि जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। और वह लड़का इतने में ही समय के साथ ठीक हो गया। नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दारोगा भी आते थे, अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछालकर गिरा देती थी। दारोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठे तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दारोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दारोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोल उसे पास के पेड़ से बांधकर आए तो बाबा जी फूर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। घोड़ी बेतहासा दौड़ पड़ी और उछल उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथनानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर तो कभी उसकी पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह हाँफ ना गई और मुंह से फेन के साथ खून न आने लगा।
दारोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपने आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए। मानो कुछ हुआ ही नहीं और ना कुछ श्रम ही हुआ। दारोगा जी उलाहना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी? सुनकर दारोगा जी चुप हो गए। सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे श्री के.एम. मुंशी ने अपने भवंस जर्नल में भी प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीब करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सभी कुछ सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है। ड्राइवर किसी खराबी को न बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस न हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर भी विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लिया जाए। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो, बैठ जाते हैं। और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल नीब करौरी गांव एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम ही नीब करौरी बाबा पड़ गया। संभवतः बाबा जी महाराज की मंशा हो चुकी थी कि अपनी इस प्रथम क्रीड़ा स्थली के वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिस हेतु उन्होंने उक्त कौतुक कर दिया, जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी एक दो मिनट के लिए वहां रुकने लगी। कालांतर में इस लीला की परिणति रूप नीब करौरी एक नियमित स्टेशन बन गया और अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दासपुरी नामक फ्लैग स्टेशन भी बन गया तथा मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से निकल कुछ ही दूर पर रेल यातायात सुविधा उपलब्ध हो गई है। नीब करौरी से गमन। बाबा जी महाराज इसी प्रकार गांव में अपनी मनोहारी आध्यात्मिकता युक्त प्राकृत लीलाएं करते रहे जन कल्याणार्थ। परंतु जहां सत्य का उदय होता है वहीं तामसी प्रवृत्तियां भी उसे नष्ट करने की चेष्टा में रत हो जाती है। वैसे भी सीधे साधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं का मूल बाबा जी में न देख पाए, उन्हें पहचान न सके, उनके लिए यह सब एक सिद्धि प्राप्त जोगी द्वारा किया गया कौतुक मात्र रह गया। अंतर छू न सका उनका, केवल बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रामक लीला क्रीड़ाओं के कारण तथा बाबा जी के उनके साथ घुल मिलकर रहने, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने, मुक्त भाव से उनसे वार्ताएं करने जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती आदि आदि के कारण भी। और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी
जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई और उनके गांव को छोड़ने का बहाना बन गई। क्योंकि बाबा जी सभी वर्ग सभी वर्ण जाति के लोगों को समान स्थान देते थे अपनी दया कृपा हेतु, इससे ग्राम का रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग उनसे असंतुष्ट हो चला था और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बंटवाकर महाराज जी ने लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछ एक ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी के टीनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति इन लोगों की बातों में आकर केवल एक टीन छोड़कर बाकी घी वापस उठा ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को जब यह बात मालूम हुई तो वे मंदिर को एक सेविका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़कर कीला घाट यानी फरुखाबाद फतेहगढ़ चले गए। वैसे सत्य तो यही प्रतीत होता है कि अकारण करुण बाबा जी महाराज को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वे कब तक नीब करौरी तक ही बंधे रहकर सीमित रहते? वे नीब करौरी इसके बाद भी आते रहे कभी कभी, पर गांव वालों के जाने बिना उनसे छिपकर। परंतु अपनी प्रथम कर्मभूमि नीब करौरी के नाम को अपने व्यक्तित्व अपनी पहचान अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्वविख्यात कर गए स्वयं बाबा नीब करौरी बनकर। इस बीच बाबा जी महाराज एटा मैनपुरी इटावा फतेहगढ़ आगरा आदि जिलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी इसके पूर्व से इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों गांवों से सैकड़ों भक्त नीब करौरी आते रहते थे बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर। कीला घाट यानी फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य जिलों की यात्राएं और भी बढ़ गई। घर घर गांव गांव शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ साथ एक ही उद्देश्य लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय योगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे भक्त हो चले थे बड़ी संख्या में और छिपकर उन्हें दूध फल आदि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मंशा बना ली और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग में लेट गए। अर्दली सिपाहियों आदि ने उन्हें बहुत रोका पर फिर भी आप डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उसके आराम की जगह लेटा है तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी की अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना कर अपमानित करने लगा। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे उसकी इन हरकतों पर भी। इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में तथा उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध फल मंगाकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फौज की तरफ से दूध फल भी अर्पण किए जाए। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना बाबा जी का। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि उसके ऊपर न मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। अपनी कमान संभाले जब वह अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी समय अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराज गए
और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैं कन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह बाबा जी को पहचान उनके पास दौड़ा दौड़ा आ गया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नत हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी तरह हार जाने पर भी मैं कन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाए एवं सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी। बाबा महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित हुआ मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना के कमान में सम्मिलित कर्नल टीडी जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही नजरबाग में मैकन्ना को बाबा जी के द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूं सुनाई, जिसे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद के चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंडला स्टेशन पहुंच प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उससे साधारण औपचारिकतावश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीब करोड़ी के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य में रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी तो बाबा जी के भक्तों में थे और उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे। फिर मैं भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंच गया और तभी अपना मुंह उघार कर बाबा जी मेरी तरफ देखने लगे अपनी सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा इधर मैं और उधर मैकन्ना विभोर हो कृतकृत्य हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। श्री कीहर सिंह जी द्वारा वर्णित कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड में ले गया, परंतु बाबा जी महाराज वहां से दूसरे तीसरे दिन ही भारत को लौट आए। प्रसंगवश बाबा जी महाराज को स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के भाई मक्का मदीना भी ले गए थे। नीब करौरी तीर्थ का पुनर्जागरण। बाबा जी महाराज की नीब करौरी गाथा यही पूर्ण नहीं हो जाती। महाराज जी के ग्राम नीब करौरी को छोड़ देने के बाद हनुमान मंदिर की व्यवस्था में ढील आ चुकी थी और मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चला था, तथा सिंदूरी चोले के अभाव में हनुमान मूर्ति भी काली पड़ गई थी। मंदिर में जनता का आना भी न्यूनतम स्थिति को पहुंच चुका था। मंदिर की न तो कोई आमदनी थी और न कोई नियमित रूप से पुजारी ही था सेवा हेतु। परंतु वर्षों पूर्व महाराज जी ने जो हवाई बैठन को संकल्प ले लिया था, प्रसंग तृतीय सर्ग में हम देखेंगे, उसके लिए उन्हें अपनी इस गंगोत्री को पुनः उजागर करना था। इस तीर्थ के बारे में बातें करते बाबा जी ने श्री मां को अपनी कई लीलाएं बताई थी। अतएव अपनी महासमाधि के बाद मानो उन्होंने यह काम श्री सिद्धि मां को सौंप दिया। श्री मां ने वर्ष 1974 से ही बार बार नीब करौरी की यात्राएं एवं वहां कुछ काल के लिए निवास करना प्रारंभ किया। तब न वहां रात्रि विश्राम हेतु कोई समुचित व्यवस्था एवं सुविधा ही थी, न भोजन प्रसाद की और न शौच स्नान की ही। मोटी मोटी
अधपकी अथवा अधजली मक्का चना या जवा गेहूं की रोटियां एवं अधपकी स्वादहीन हरी सब्जी ही पाई हमने तब श्री माँ के साथ। फिर भी ये परिस्थितियां माँ के संकल्प को छू ना सकी और यात्राएं एवं निवास यथावत जारी रहे। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबा जी महाराज तथा हनुमान जी के प्रति निष्ठा पुनः जागरूक हो चली। तब से श्री माँ द्वारा श्री विनोद जोशी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूरी चोले का भी पुनः पुनः नवीनीकरण होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री माँ बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती थी। प्रथम बार जाने पर तो सिंदूर के अभाव में विनोद जी हनुमान जी को स्नान करा भली भांति पोंछ कर केवल अबीर का ही चोला चढ़ा गए थे। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ के साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा पुनः गुलजार हो गया। घर घर श्री माँ द्वारा वितरित महाराज जी के फोटो चित्र सज गए। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र ही बाद में बड़े बड़े भंडारे भी आयोजित होने लगे। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा भी होने लगी। श्री माँ के आगमन पर आसपास के 2500 गांव तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की भक्त जनता हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र हो महोत्सव सा मनाने लगती। कोई टुकड़ी भजन करती होती, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई नृत्य, तो कोई मंदिर में पाठ, अपने अपने रंग में, अपनी अपनी तरंग में। सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों से गुंजायमान रहता। इन सबका एक ही विशेष कारण था कि प्रारंभ से ही श्री माँ गांव के पुराने लोगों से बाबा जी महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनती तथा नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनवा सुनवा कर उनमें भी बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा आस्था जागृत करती रहती। साथ में बाबा जी महाराज की नींव करौरी से चले जाने के बाद की अलौकिकताओं की भी अनेक कहानियां गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबा जी महाराज की भी कुछ ऐसी लीला चल निकली कि सबके ही काम स्वतः होते चले गए और जनता की मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गई। सोया सा नींव करौरी गांव भक्तों के कलरव से गूंज उठा। फलस्वरूप जनता में मंदिर एवं बाबा जी महाराज की सेवा के प्रति अदम्य उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर तथा मंदिर क्षेत्र के जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने बाबा जी से प्रेरित होकर उनकी सेवा में भेंट कर दिया था, विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग के आश्वासन स्वतः आने लगे। श्री माँ ने तब स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। मंदिर क्षेत्र में बहुत समय से ही बाबा जी की द्वितीय गुफा तथा कुटी के स्थान पर कालांतर में श्री गंगादीन महाराज ने लंबे गुंबद का आकार लिए एक भवन बना दिया था, साधु सन्यासियों के रात्रि विश्राम अथवा ठहरने के लिए। यह भी तो महाराज जी की एक लीला थी। भविष्य की घटनाओं की संपन्नता हेतु जैसा आगे वर्णित है, गांव वालों का विचार था कि इसके पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में श्री राम जानकी की मूर्तियां प्रस्थापित कर दी जाए, परंतु बाबा जी के यहां हो बैठोगे की मनसा शक्ति ने इस प्रस्ताव को दूसरा ही मोड़ दे दिया। वर्ष 1981 में कार्तिक पूर्णमासी के शुभ अवसर पर श्री माँ महाराज जी द्वारा प्रेरित हो बाबा जी की अलौकिक शक्ति से पुनर्जन्म प्राप्त सिकुहाबाद के भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा इसकी परिक्रमा में श्री माँ की सन्निधि में भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, जिसने नीब करौरी ग्राम में एक अत्यंत भव्य एवं उत्कृष्ट समारोह का रूप ले लिया और इस तरह महाराज जी के यहाँ हो बैठोगे के संकल्प की पूर्ति हेतु उस स्थान का शुद्धिकरण पुनः स्वतः ही हो गया और इसी के साथ नीब करौरी में महाराज जी श्री के तत्व पीठ की स्थापना का भी सूत्रपात हो गया। तब वर्ष 1984
15 फरवरी के दिन श्री मां महाराज द्वारा प्रेरित हो ग्वालियर के उद्योगपति भक्त श्री सीताराम गुप्ता द्वारा इस भवन को नया रूप स्वरूप देते हुए मंदिर का रूप दे दिया गया, जिसमें बाबा जी महाराज की संगमरमर की एक बड़ी मूर्ति का प्रतिष्ठापन उनके द्वारा श्री मां की छत्र छाया में अत्यंत धूमधाम के साथ हो गया। इस परम पावन महाकार्य में गुप्ता जी की बड़ी बहन जो भक्त समाज में जीजी नाम से जानी जाती है तथा भाई अमरचंद जी का भी बड़ा सहयोग रहा। इस पुनीत अवसर पर हजारों भक्तों ने महाराज जी के भंडारे का भोग प्रसाद पाया। इस प्रकार लगभग 50 वर्ष के बाद बाबा जी महाराज नीब करौरी धाम में पुनः विराजमान हो गए मूर्ति रूप में। बाबा जी के इस मंदिर को उनके तत्व पीठ का स्वरूप देने हेतु श्री मां की आज्ञा से श्री विनोद चंद्र जोशी जी द्वारा वर्ष 1973 से संचित बाबा जी के फूलों का कलश बाबा जी के इस विग्रह के नीचे समाहित कर दिया गया। साथ में दुर्गा देवी का भी एक भव्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पार्श्व में बनवाकर सीताराम जी द्वारा उसी दिन प्रतिस्थापित हो गया। पुराने शंकर जी के मंदिर को भी इसी के साथ नया रूप दे दिया गया। इस प्रकार अब हनुमान जी धाम में अकेले नहीं रह गए थे, साथ में आदि शक्ति एवं शंकर जी सहित अपने ही दूसरे स्वरूप में बाबा जी महाराज बनकर विराजमान हैं। मंदिर क्षेत्र को आश्रम का रूप देने के लिए क्षेत्र के चारों ओर से एक ऊंची दीवार तथा दो फाटकों से घेर कर उसके भीतर आवासीय कमरे भी इसी के साथ धीरे धीरे बना दिए गए। सारे क्षेत्र को पुनः एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आज इस नीब करौरी धाम में बाबा जी की प्रेम गंगा की इस गंगोत्री के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी एवं भक्तगण, जिनमें महाराज जी के विदेशी भक्त भी शामिल हैं, बाबा जी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने आती हैं। और फिर अगले वर्ष बाबा जी के सम्मुख भागवत सप्ताह की पुनरावृत्ति हो गई, जिसे महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद से शरीर प्राप्त श्री राम सेवा गुप्ता द्वारा संपन्न किया गया। गुफा का पुनर्दर्शन। जैसा पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि बाबा जी खेत की जिस गुफा में प्रारंभ में रहते थे उसे उन्होंने कुछ काल बाद छोड़ दिया था और मंदिर के पास एक नई गुफा एवं कच्ची कुटी बनवाकर रहने लगे थे। इस प्रारंभिक गुफा के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी थी तथा कालांतर में यह भी साथ के खेत में सम्मिलित हो चुकी थी, जिसके ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। इस गुफा की चर्चा गांव के पुराने भक्त श्री सिद्धि माँ को विस्तार से सुना चुके थे और तभी से श्री माँ इस गुफा के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक हो चली थी तथा वर्ष 1977-78 से उन्होंने इस गुफा के वास्तविक स्थान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करनी प्रारंभ कर दी थी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया, परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर के अंतराल के बीच गांव के खेतों, सड़कों, खेत की मेड़ों और भवनों की स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। कोई गुफा का एक स्थान बताता तो कोई दूसरा। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला बना रहा और गुफा का सही स्थान निश्चित न हो पाया, परंतु मां ने न तो धैर्य खोया और न गुफा को ढूंढ निकालने की लगन को ही त्यागा। वे तो इस हेतु उपयुक्त समय एवं वातावरण की प्रतीक्षा में थी। अंत में वर्ष 1988 में श्री मां मंदिर के सामने खेत में घूमते हुए एक स्थान पर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी रह गई। तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध ने कह दिया, जहां मां खड़ी है वहीं पर खोदो। क्या मां महाराज ने ही प्रेरित किया उसे ऐसा कहने को? और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता से वहीं 10-12 फीट की गहराई तक खोदा तो बाबा जी महाराज की उस गुफा के अवशेषों के दर्शन होने लगे। तब अत्यंत सावधानी के साथ धीरे धीरे खोदकर ऊपर की मिट्टी हटाकर पूरी गुफा को प्रकट कर लिया गया। लगभग 12-13 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी तीन खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई
दो दो तीन तीन फीट ऊंची मिट्टी की दीवारों तथा मेहराबों पर महाराज जी के उस गुफाकाल की पुती कलई यानी चूना अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार में बनी धूनी की राख और कोयला लकड़ी भी प्रारंभ में मिले। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां भी मिली, जिन्हें संभवतः गांव वालों ने ही बाबा जी के गुफा प्रवेश महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिस्थापित किया होगा हवन पूजन के साथ। गुफा के प्रकट होते ही उसमें से साकल्य एवं धूप की सुगंध निकलकर व्याप्त हो गई चारों ओर। गुफा दर्शन की इस अद्भुत लीला से सभी आनंद एवं हर्षोल्लास में मगन हो उठे। बाबा नीब करोरी महाराज की जय के नारों से वायुमंडल गूंज उठा। गुफा दर्शन हेतु सैकड़ों की संख्या में जनता टूट पड़ी। उपलक्ष में कई दिन तक दर्शनों कीर्तन भजनों भंडारों की प्रसाद की धूम मची रही। धूमधाम से गुफा का आरती पूजन हुआ। श्री मां द्वारा इस गुफा को इस प्रकार प्रकट करवाकर बाबा जी ने 60-70 वर्ष पूर्व की गई अपनी लीलाओं को, जो केवल कथाएं बनकर रह गई थी, नई पीढ़ी के समक्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर दिखा दिया और जनता में बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा आस्था की मात्रा कई गुना बढ़कर व्याप्त हो गई। साथ में बाबा जी द्वारा प्रतिस्थापित नीब करोरी के हनुमान मंदिर के प्रति भी जनता में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित हो उठी। इस प्रकार इस गुफा को प्रकट करने में निहित श्री मां का उद्देश्य पूरा हो गया। तब गुफा को मंदिर का स्वरूप देते हुए उसको वर्षा एवं जानवरों से बचाने हेतु श्री विनोद जोशी ने श्री पी के चोपड़ा जी के सहयोग से उसे चारों ओर ग्रिल से घेर कर तथा ऊपर टीन की ढालदार छत से सुरक्षित कर दिया। अगले वर्ष ग्रिल को भी जालियों से घेर कर पक्षियों और छोटे जानवरों से भी गुफा को सुरक्षित कर दिया गया। इन कार्यों की सफल पूर्णता हेतु श्री सर्वदमन सिंह जी, रघुवंशी, श्री इंदर जी का भी तन मन धन से यथोचित सहयोग प्राप्त होता रहा। तब से ही दुर्गा देवी, हनुमान जी, शंकर जी एवं महाराज जी के साथ साथ इस गुफा मंदिर का भी नियमित रूप से उसी श्रद्धा भक्ति से आरती पूजन होता है। अपनी इन्हीं यात्राओं के मध्य श्री मां ने बाबा जी महाराज की लीलाओं की ग्राम वासियों से चर्चा करते करते बाबा जी का चिमटा एवं कमंडल भी, जिन्हें लेकर वे नीब करौरी आए थे तथा यहीं छोड़ भी गए थे, स्थानीय भक्तों से प्राप्त कर कैंची धाम में महाराज जी की अन्य पुण्य स्मृति रूप वस्तुओं के साथ सुरक्षित कर लिया। उत्तराखंड लीला। वर्ष 1934-35 में नीब करौरी गांव छोड़ने के बाद बाबा जी महाराज का भ्रमण एवं कृपा क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो चला था। विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में बाबा जी महाराज ने हजारों लोगों के घर जा जाकर मुक्त रूप में अपनी दया कृपा की चमत्कारी लीलाएं प्रारंभ कर दी। दीन दुखी, रोगग्रस्त, जरूरतमंद, कर्म और प्रारब्ध से अभिशप्त, यही विशेष रूप से उनकी दया के पात्र होते थे। परंतु इस क्रिया में अपने को गुप्त रखने की नीति के अंतर्गत वे विभिन्न परिस्थितियों को, जो उनकी इच्छा के सानुरूप स्वयं मोड़ ले लेती थी अथवा समृद्ध सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से संपन्न एवं सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों को इन दया पात्रों के कष्टों को दूर करने हेतु माध्यम बनाते रहते थे। कहीं कहीं ही उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर तुरंत कह देते, सब कुछ भगवान करता है, हनुमान जी से कहो, हम कुछ नहीं जानते। परंतु अंतरंग भक्त भली भांति जानते थे कि यह भगवान हनुमान कौन है और मन ही मन बाबा जी की इन लीलाओं का आनंद लेते रहते। उत्तराखंड में महाराज जी का प्रवेश यद्यपि तीसरे दशक में ही हो चुका था, पर विशेष लीलाएं वर्ष 1940-41 के आसपास से ही प्रारंभ हुई। इसके पूर्व महाराज जी अन्य प्रदेशों, प्रांतों एवं शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश में, विशेषकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, एटा, मथुरा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा आदि जिलों एवं दिल्ली में अपनी प्रत्यक्ष रूप लीलाएं
करते रहे थे, जहां आपकी कल्याणमयी लीलाओं से मुग्ध होकर हजारों व्यक्ति आपके चरणाश्रित हो चुके थे। परंतु किसी एक स्थान विशेष अथवा व्यक्ति विशेष से तो बाबा जी जुड़े नहीं थे और न स्थान विशेष में ही वे अधिक काल तक निवासी करते थे। आज यहां तो कल वहां अपनी सृजित मंदिरों आश्रमों कैंची वृंदावन बजरंगगढ़ भूमियाधार आदि में भी 20-22 वर्ष की अवधि में वे अधिकतम कुल मिलाकर 6 माह से लेकर 2.5-3 वर्ष तक ही छोटी छोटी अवधि में कभी 10 दिन तो कभी 1 माह तक एक आश्रम में निवास करते रहे और पुनः अन्य स्थानों क्षेत्रों में लीला सृजन हेतु चले जाते। केवल अंतिम 2-2.5 वर्षों में वे कैंची तथा वृंदावन आश्रम में 3-4 माह तक एक मुस्त रहे। परंतु बाबा जी की कृपा के फलस्वरूप कई भक्त अथवा स्थान स्वयं ही उनके नाम से जुड़ गए थे और इसी कारण ऐसे स्थानों व्यक्तियों की अपनी भी पहचान प्रसिद्धि हो चली थी बिना किसी अन्य आधार के। उत्तराखंड में महाराज जी ने पूर्व में केवल कुछ ही व्यक्तियों से संपर्क किया, या यूं कहिए कि प्रारंभ में कुछ ही क्षेत्रों के कुछ ही लोग बाबा जी महाराज को कुछ कुछ जान पाए। यद्यपि बाबा जी उत्तराखंड की समस्त भूमि का, जिसे वे देवभूमि ऋषि मुनियों का क्षेत्र कहते थे, जब तब भ्रमण करते रहते थे। कभी किसी गृहस्थ के घर अल्पकालीन वास भी कर लेते थे, परंतु इसी भ्रमण के बीच धीरे धीरे बरेली से लेकर नैनीताल तक के सैकड़ों हजारों व्यक्ति महाराज जी की अलौकिकता से प्रभावित हो गए और उनके भक्त बन गए। विशेषकर नैनीताल हल्द्वानी क्षेत्र के निवासी तो महाराज जी के लिए पागल से हो गए। यद्यपि बाबा जी महाराज के इस क्षेत्र में आगमन हेतु कोई निश्चित समय या तिथि नहीं होती थी, किंतु भक्तों को उनके आगमन की जो अनायास ही हो जाता सदा ही प्रतीक्षा रहती थी। कुछ ही काल में महाराज जी के प्रेम, उनकी दया करुणा कृपा एवं उनके इन भक्तों के प्रति अपनत्व का ऐसा गहन गंभीर प्रभाव छा गया कि महाराज जी की अनुपस्थिति में क्या पुरुष क्या माताएं जब भी एक दूसरे से मिलते तो बाबा जी महाराज की कृपा लीलाओं की चर्चा में ही डूब जाते, विशेषकर महिला वर्ग जो महाराज जी के शब्दों में मैया कहलाती थी, तो गोपियों की भांति उन्हीं की याद में सारी गृहचर्या करती रहती। एक दूसरे के घर जाकर बाबा जी महाराज के गुणानुवादों की चर्चा किए बिना उन्हें चैन न मिल पाता। बाबा जी की ही याद में इन मैयों द्वारा घर घर कीर्तन भजन नृत्य अखंड रामायण सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ आए दिन आयोजित होते रहते। क्या राम में, क्या कृष्ण में, क्या हनुमान शिव में, उन्हें सभी में बाबा जी महाराज की झलकी दिखाई देती तथा राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। कोई मग्न हो जाती, कोई आंसू बहाती, इसी भाव में कीर्तन भजन करती होती। किसी की मुस्कान बाबा जी की उससे की गई लीला की स्मृति में फैली ही रह जाती और कोई तो कुछ देर चर्चा के बाद समाधिस्थ हो जाती। इन्हें देख द्वापर की ब्रज गोपियों की कहानियां बरबस स्मृति में आ जाती थी और महाराज जी के सहसा आगमन की सूचना जो आंधी में अग्नि के समान फैल उठती पाते ही ये सभी बाल वृद्ध स्त्री पुरुष युवक युवतियां उनके दर्शनों को उनके चरणों में लूटने को दौड़ पड़ते, एक दूसरे से पूछते, का छन मतलब कहाँ है, तुम देखे दयाल रघुराई। वैदिक संस्कारों में ओतप्रोत भगवान शिव और शक्ति के उपासक सरल स्वभाव के ये पर्वतीय जन वैसे भी साधु संन्यासियों तथा जोगी जन के प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव रख उनकी सेवा करते रहते थे और यहाँ तो बाबा जी महाराज जैसे विभूति के स्वयं का इन लोगों के प्रति अविरल प्रेम स्वतः ही परावर्तित हो इनके अंतर में प्रतिबिंबित होकर इन भक्तों के मन मानस को आच्छादित किए हुए था। अतएव बाबा जी के आगमन की सूचना प्राप्ति पर इनका ऐसा करना, इनका ऐसा आचरण स्वाभाविक ही था। और बाबा जी महाराज को भी तो एक साथ इतने बड़े समूह में अंतर से सरल
उदार प्रकृति के भक्ति भाव से ओतप्रोत बाबा जी से बिना किसी प्रकार की सांसारिकता की अपेक्षा वाले निष्ठावान धार्मिक भक्तगण मिल गए अपनी कृपा लीलाओं के विस्तार हेतु। इसके पूर्व तो महाराज जी ने सामूहिक रूप से लीलाएं केवल नीब करोरी में ही की थी, अन्यथा उनकी लीलाएं केवल गृहस्थ विशेष, व्यक्ति विशेष एवं उनसे जुड़ी अन्य लोगों तक ही सीमित रही थी। इन प्रेमी सरल उदार हृदय भक्तों के मध्य बाबा जी महाराज ने भी उसी प्रेम उदार एवं सरल भाव से अपनी कल्याणमय लीलाएं की और भक्तों को ऐसी लीलाओं के मध्य लगता कि आज उनको अपने आराध्य अपनी उपास्य की प्राप्ति हो गई और बाबा जी को भी उन्हीं के शब्दों में लगता कि वे अपने जन्म जन्मांतर के प्रेमी भक्तों के मध्य आ गए हैं। कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं कोई छिपाव नहीं, दोनों ओर से इतनी आत्मीयता का आदान प्रदान अपने ही परिवार में भी संभव नहीं हो पाता जितना बाबा जी और उनके भक्तों के बीच चलता था। भक्तों को इसका भान ही नहीं रह पाता कि वह बाबा जी जैसे अवतारी विभूति को क्या अर्पण कर रहे हैं तथा उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और महाराज जी को भी भक्त के इस अर्पण इस आचरण में एक ही वस्तु एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता, अपने प्रति उस भक्त का निश्चल अविरल प्रेम। कितनी मोहक होती ये लीलाएं। तभी ही महाराज जी ने इस क्षेत्र को ब्रज की संज्ञा दे डाली थी। जब वे बहुत काल तक इस क्षेत्र से बाहर रह जाते तो अनायास ही उनके श्रीमुख से निकल जाता उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, और शीघ्र ही पुनः आ पहुंचते अपने ब्रज में। वैसे तो महाराज जी जिस भक्त के घर स्वयं चले जाते तो उपस्थित भक्त मंडली भी उन्हीं के साथ वहीं चली जाती थी और उस भक्त के घर छोटा मोटा भंडारा हो जाता। पर जब कभी कोई भक्त बाबा जी से अपने घर चलने का आग्रह करता तो ऐसे अवसरों पर बाबा जी के पीछे भक्तों का एक बड़ा समूह भी चल पड़ता और उस भक्त के घर भंडारे के मध्य महाराज जी का चमत्कार प्रारंभ हो जाता। भक्त की लाज अपनी लाज मानकर न्यून मात्रा में बना भोग प्रसाद पूरे भक्त समूह के लिए आवश्यकता से भी अधिक पर्याप्त कर दिया जाता बाबा जी द्वारा, बिना किसी को इस तथ्य का आभास मिले। इसी प्रकार के भंडारे दिन भर में कई घरों में संपन्न हो जाते और बाबा जी एक दिन में कितने ऐसे भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते होते यह तो कल्पना के बाहर की बात होती। हर घर में यही समझा जाता कि बाबा जी ने हमारे ही घर का प्रसाद भरपेट बड़े स्वाद से ग्रहण किया है। और ऐसे भंडारों का कोई समय भी तो निश्चित नियत न था कि एकदम सुबह ही हो रहे हैं या शाम को अथवा दोपहर को हो रहे हैं कि अर्धरात्रि में। अपने तन मन की सूध भूले ये भक्त बावलों की तरह बाबा जी के पीछे पीछे घर घर डोलते फिरते। घर घर कीर्तन भजन भंडारों की स्वतः धूम मच जाती। घर द्वार नौकरी पेशा व्यापार आदि सब कुछ भूले हुए ये भक्तगण इसी नैसर्गिक आह्लाद में खोए रहते। किसी को भाव समाधि लग जाती तो कोई जड़ समाधि में जा डूबता, कोई मुख हो अश्रुपात करने लगता आनंदातिरेक में, तो कोई हतप्रभ सा बैठा रह जाता। बाबा जी की दिव्य उपस्थिति का प्रभाव विचित्र ही होता। तन की सूध नहीं, मन में चेतना नहीं, वस्त्रों परिधानों की अस्त व्यस्तता का बोध नहीं। अधिकतर लोग पागल और बाकी चकित, मूक, महाराज की सी अवस्था। वही भावली नैसर्गिक आह्लाद में डूबे भक्तों के हृदय तंत्री के तार तार से एक ही सब झंकृत होता, महाराज महाराज। और स्वयं बाबा जी महाराज, वे तो केवल बैठे बैठे चाबियां घुमाते रहते सबके मन मानस के तालों की, और स्वयं निर्लिप्त निर्विकार निर्विकल्प दृष्टि मात्र बने हुए इस रास महारास के मध्य उसकी गति को नियंत्रित करते रहते। और जब जानते देखते कि भावातिरेक सहन सीमा के बाहर हो रहा है कुछ भक्तों के लिए, तो शीघ्र ही चाबी दूसरी ओर घुमा देते और तब पुनः सामान्य स्थिति आ जाती समूह में। परंतु साथ ही कभी कभी किसी भक्त विशेष के अंतर के विशुद्ध भावों की टक्कर पाकर उसके भजनों अथवा उसके द्वारा भाव भक्ति से पढ़ी गई रामायण की मार्मिक चौपाइयां सुनकर
प्रभु स्वयं भी विकल विहल हो जाते। अविरल अश्रुपात होने लगता नेत्रों से, हिचकियां बंध जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, सारा शरीर विशेषकर मुखमंडल एक अलौकिक दिव्य कांति युक्त भाव मुद्रा में परिलक्षित होने लगता और उसी के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप भक्त समुदाय में भी स्पंदन होने लगता। कुछ अचेत, कुछ अर्धचेतना में तो कुछ सचेत हुए भक्तगण केवल अवाक होकर देखते रह जाते यह सब लीला। और जब स्वयं के लिए भी असहनीय हो जाती यह दशा तो प्रभु चिल्ला उठते, बंद करो, बंद करो। और स्वयं या तो कंबल से अपना मुंह ढक लेते, हिचकिया लेते, या फिर उठकर अन्य कमरे में जाकर बंद कर लेते अपने को। परंतु पूरे प्रकरण में जो कुछ भी घटित होता वह बाबा जी की अपनी अलौकिकता ही होती। जो व्यक्ति बाबा जी की तरह विशेष रूप से आकर्षित न भी हुआ होता वह भी मूक बना अविचल निहारता रह जाता बाबा जी के मुखमंडल को और उनकी लीलाओं को। अन्य के अंतर में तो एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति, उल्लास व आह्लाद की लहर उठती रहती। इस प्रकार प्रभु के हर नए आगमन पर भक्तों की संख्या, दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती चली जाती। इन्हीं क्रियाओं से जन जन के अंतर में ढाई अक्षर वाले प्रेम की छाप लगा देते थे बाबा जी। उस प्रेम की जो समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, भागवत गीता आदि का सार है। ऐसी होती थी उत्तराखंड में महारास लीला। परम गुरु रूप पूर्ण पुरुष करुणा दया क्षमा के आगार, परम प्रेम के मूल स्रोत व दाता, अवतार विभूति श्री श्री बाबा नीब करौरी जी महाराज की असीम भवमोचनी परम कृपा मेरे जैसे दीनहीन पर किस प्रकार हुई, इसका कुछ विवरण जानकर पाठक वृंद भी आनंद की अनुभूति करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यह केवल मेरी अपनी गाथा नहीं वरन महाराज जी के हर आश्रित व शरणागत पर कृपा की कथा है, घर घर की कथा है। कुछ उलट फेर लेकर बाबा जी महाराज के प्रथम दर्शन मुझे नजरबाग यानी लखनऊ में उनके एक भक्त श्री प्रेम वल्लभ पांडे जी के निवास में वर्ष 1943 में हुए। उनके मकान में कुछ भीड़ भाड़ सी देखकर कौतूहलवश मैं भी अंदर चला गया। देखा तख्त पर साधु कैसे वेश में स्थूल काय से एक अधेड़ वय के व्यक्ति विराजमान है। ऊंची धोती के ऊपर एक साधारण सा चौखाना कंबल लपेटे, अधबड़ी दाढ़ी, कुछ गंजापन लिए सिर बावले से और भक्तजनों से घिरे हुए। पूछा तो पता लगा नीम करौली बाबा है, विचित्र सा नाम लगा। मैंने भी प्रणाम किया, कुछ देर बैठा भी रहा, कभी इससे तो कभी उससे छोटे छोटे वाक्यों में मंद स्वर में वे बातें करते रहे मुस्कुराते हुए। मुंह निहारता रहा उनका, बहुत अच्छे लगे, फिर उठकर चला आया। उसी वर्ष महाप्रभु ने मेरी भावी पत्नी को भी जैसा बाद में विदित हुआ उसी के घर जाकर दर्शन दे दिए थे, पर तब बात आई गई हो गई। समय बीता और मैं इलाहाबाद नौकरी पर चला आया वर्ष 1947 में। परंतु इस बीच बाबा जी महाराज मेरे बड़े भाई पूरन चंद्र जोशी को अपनी शरण ले चुके थे तथा उनसे यदा कदा प्राप्त पत्रों द्वारा श्री चरणों की महत्ता का विवरण मुझे प्राप्त होता रहता था। फिर भी अपनी यौवन की मस्ती में खोया मैं, उदासीन ही रहा इस ओर। परंतु महाराज जी की बराई विरद हित हटी हटी अधम उधारी वाली लीलाएं तो सर्वत्र चलती ही रहती थी, तो मैं भी कैसे बच पाता उनके कृपाजाल से। एक दिन 1947 सन में ही अचानक वह स्वर्णिम अवसर पुनः आ गया मेरे जीवन में, जब एक भक्त श्री नंद किशोर जोशी जी के घर अनायास ही, अनायास क्यों कहूं, वह तो महाप्रभु द्वारा सृजित अवसर था कि मैं कार्यालय से लौटती बेर उसी राह से अकारण निरुद्देश्य निकल पड़ा था। श्री चरणों के दर्शनों का परम सौभाग्य
पुनः प्राप्त हो गया मुझे। अगस्त का महीना था, तब प्रभु धोती के ऊपर सफेद चादर ओढ़े हुए थे। अब की प्रभु से प्रणामोपरांत वार्ताएं भी हुई। पूरन का भाई होने का पासपोर्ट था ही मेरे पास, बहाना बन गया या महाप्रभु के लिए भी मेरे प्रति विशेष अपनत्व बरसाने हेतु। अगले 3-4 दिन तक प्रभु का दर्शन पर्शन प्राप्त होता रहा, उनके साथ इधर उधर आने जाने का अवसर भी मिलता रहा। उसी वर्ष 2-3 बार पुनः दर्शन मिल गए। इसके बाद तो प्रतिवर्ष यही सिलसिला जारी रहा। कई कई बार महाप्रभु का दर्शन दिव्य स्पर्श प्राप्त होता रहा और बढ़ता रहा। उनके प्रति आकर्षण भी उन्हीं के द्वारा प्रेरित। वर्ष 1949 में मेरा विवाह हो गया और प्रारंभ हो गया मेरे अभावग्रस्त गृहस्थ जीवन का भी। व्यस्तता के बावजूद महाराज जी के दर्शन यदा कदा हो ही जाते। होता यूं था कि अपनी राह न होते हुए भी श्री चरणों द्वारा संचालित पग उसी तरफ मुड़ जाते जिस घर या गली में महाप्रभु विराजमान होते, और मुझे बिना विशेष प्रयास के ही दर्शन हो जाते। केवल 2-4 प्रश्नोत्तरी, वात्सल्यपूर्ण दृष्टि एवं सिर या पीठ पर 1-2 थपकी, बस। और मैं तृप्त होकर मगन होकर चल देता पुनः अपने संसार की ओर। पता नहीं क्यों अपने अभावग्रस्त जीवन की किसी भी समस्या को मैंने महाप्रभु के समक्ष प्रकट नहीं किया और न उन्हें कभी अपने घर का अता पता ही बताया, और न कभी उन्होंने पूछा कि कहां रहते हो। फिर भी यदि दर्शन मिले, अधिक समय हो जाता तो स्वयं ही मकान के नीचे से पुकार उठते तीखी आवाज में मेरा नाम लेकर, मुकुंद मुकुंद। और फिर ऊपर आकर जो भी आसन हम दे देते, नंगी मूंछ की खाट, अधटूटी कुर्सी आदि, प्रभु उसी पर आसीन हो जाते। कुछ मीठा और ठंडा पानी, बस यही होती हमारी उनके प्रति सेवा, हमारा अर्पण। हमारी इच्छा हो ना हो, हमें इस हेतु सावकाश हो ना हो, स्वयं ही यदा कदा दर्शन दे जाते। किसी विशेष रूप किसी विशिष्ट भाव से उनका अभिनंदन भी तो नहीं करते थे तब हम, और न विशेष रूप से आकृष्ट ही थे हम उनके प्रति की उनके बिना बेचैन होठे। विशेषकर मेरी पत्नी, जिन्हें तभी ही महाराज जी ने तरकी की उपाधि दे दी थी, और महाराज जी को इस प्रकार इस मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने हेतु स्वयं हम में भी तो कोई गुण विशेष न थे। न तप बल था, न धन बल, न यश बल, न भुज बल, न विद्वता, न सामाजिक अथवा सरकारी पद प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, और न ज्ञान पांडित्य अथवा अन्य कोई सामर्थ्य। सभी कुछ तो इसके विपरीत ही था। संक्षेप में, हमारे द्वारा प्रभु का किसी भी प्रकार का कोई भी हित संभव ही न था। वैसे भी अपने हित की अपेक्षा ही कब रही प्रभु को किसी से भी। उनको छोड़ उनके किसी भक्त शरणागत आश्रित का भी तो कोई हित मुझ जैसे दीनहीन सामर्थ्यहीन से संभव न था। इस संदर्भ में प्रभु स्वयं भी कई बार कह भी चुके थे, तुमको सऊर नहीं है। तब भी लगता था हमारे पीछे पड़ गए हैं। मान ना मान, और कभी कभी तो सचमुच एक उलझन से भी प्रतीत होने लगती थी उनके आगमन पर। परंतु विरोधाभास रूप इतना अवश्य होता कि प्रभु के दर्शन या उनके सानिध्य के फलस्वरूप कुछ और नहीं तो अंतर में एक शांतिप्रद गुदगुदी एवं मन में एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होती रहती थी। उल्लासपूर्ण और आशायुक्त नव जीवन सा देने वाली जो कई दिन तक बनी रहती थी। फिर भी ऐसा ना था कि उनके दर्शन पर्शन के उपरांत मुझ में ऐसी भक्ति अनुराग या अनासक्ति उत्पन्न हो उठती होगी सब कुछ छोड़कर भजन में रम जाता। मेरा अपना संसार यथावत चलता रहता। फिर भी मायाजन्य यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि के अंतर्गत कृत कर्मों को लेकर, परंतु साथ में एक छाप श्री चरणों की भी बनी रहती इन सब के साथ।
और जब वह धुंधली पड़ने लगती तो सरकार स्वयं पधार कर उसे पुनः ज्योतिर्मय कर जाते, जब तब आकर अपना कौतुक कर चले जाते। कितने धीरे धीरे परंतु कितने विश्वसनीय तरीके से महाप्रभु ने मेरा रुझान धीरे धीरे अपनी ओर किस प्रकार किया, इसे पाठक स्वयं समझें। कितना परिश्रम करना पड़ा होगा प्रभु को मेरे जैसे हरि विमुख कठिन प्रारब्ध वाले सभी प्रकार के अपराधों में लिप्त संसारी को भगवान की ओर खींचने में। मानो ऊसर में बीजारोपण, सिंचन और फिर फल फूल उगाना, जो कुछ इस बीच चलता रहा, मानो एक ठीठ बालक को तरह तरह के प्रलोभन देकर बहलाने फुसलाने की लीला थी। और तब तो किंचित मात्र भी आभास न था, तनिक भी ज्ञान न था कि किस महान महानतम अवतारी विभूति की अनुपम और हेतु की दया कृपा हो रही है इस नादान पर। अंतर का अहंकार प्रबल था, जिसने बुद्धि विवेक को भी कुंठित किया हुआ था, और ऐसी अहंकार युक्त बुद्धिवादी प्रकृति के कारण मन में अनेक शंकाएं तर्क कुतर्क उठते रहते थे उनकी उन भ्रामक लीलाओं को लेकर जो भरे दरबार में भी चलती रहती थी। और ये शंकाएं तर्क कुतर्क विचलित करते रहते थे हमें। पति पत्नी के बीच प्रभु की भ्रामक लीलाओं पर विवेचन उनका विश्लेषण होता रहता था। इन लीलाओं में निहित रहस्यों को ढूंढ निकालने में जुझे रहते थे हम, और नतीजा यही होता कि मन मानस महाराज के व्यक्तित्व और उनकी अति विचित्र लीलाओं में और भी अधिक उलझ जाता कि आखिर सत्य क्या है। बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती, न उगलते बने न निगलने वाली किम कर्तव्य विमूढ़ता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हम। यहां तक कि कई बार संकल्प भी ले चुके कि अब नहीं जाएंगे बाबा के पास, पर फिर यंत्र चालित से पहुंच जाते श्री चरणों में, उनके अपनत्व भरे सम्मोहन से खिंचे। न उन्हें ही भूल पाते हम और न उनकी लीलाओं को ही, जिन्होंने हमारे मन मानस को जकड़ सा लिया था। हर क्षण हर पल अपने पर ही मन प्राण केंद्रित करवा लेने की विचित्र पद्धति थी यह महाप्रभु की, और इसे ही वे प्रेम की संज्ञा भी दिए हुए थे। परंतु विश्वास कोसों दूर होते हुए भी एक अनिर्वचनीय ढंग से हमारे मन प्राण को पकड़े हुए था, मानस को जकड़े हुए था, केवल महाप्रभु की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप ही। विचित्र स्थिति थी कि महाप्रभु के प्रति भावों की स्थिरता नाम मात्र को भी न होने पर भी, इतने तर्क कुतर्क मन में समाये रहने पर भी, जब भी सूचना मिलती कि श्रीचरण पधारे हैं, हम सब काम छोड़कर दौड़ पड़ते दिव्य दर्शनों को, श्री चरणों में लौटने को, और सरकार भी हमें देखकर ऐसे प्रसन्न हो उठते मानो हमें नहीं वरन उन्हीं को कोई निधि मिल गई हो, मानो उन्हीं का मनोरथ पूरा हो गया हो। फिर भी अभी महाप्रभु तक हमारी अपनी पहुंच बहुत दूर थी, यद्यपि उन्होंने हमें स्वयं पकड़ रखा था। कभी कभी यह स्थिति होती कि हम भाग जाना चाहते थे, तभी उनकी जकड़ अधिक दृढ़ हो जाती, और जब हम कुछ रमना चाहते तो वे स्वयं हमारी तरफ उदासीन निराक्त बन जाते, अथवा हमें भी यही भान कराने लगते। विचित्र क्रिया थी हमें उलझाने की कि एक हाथ से केवल पकड़े ही नहीं है अपितु मन मानस को भी जकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ से धकिया कर खदेड़ भी रहे हैं अपनी भ्रामक लीलाओं के माध्यम से। हम तो केवल मूक बधिर की भांति ये सब लीलाएं वर्षों देखते रह गए। शायद यही क्रिया यही चाल थी बंसी वाले की, अपने जाल में पूर्णता फंसाने की और हमारे बुद्धि विवेक की अपरिपक्वता हरने की। महाराज जी इसी भांति आते रहे जाते रहे और इन्हीं क्रियाओं से हमें सम्मोहित करते रहे, अधिक अधिक हर बार अपनी अनेकानेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा। हमारे तो ना कुछ पल्ले पड़ता सा नजर आता और ना कुछ प्राप्त होता सा, केवल एक ही वस्तु शेष रह जाती थी अंततो गत्वा, और वह थी मन में एक अवर्णनीय गुदगुदी, एक नैसर्गिक आह्लाद
तथा हर्ष उल्लास की भावना जो महाप्रभु के स्वयं की अलौकिकता की अपनी देन थी, उनकी विस्मयकारी और कभी कभी अत्यंत ही भ्रामक लीलाओं की विवेचन विश्लेषण के माध्यम से उनकी निरंतर स्मृति के साथ हमें मोह, भ्रम, विश्वास, अविश्वास, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, दिव्य रसानुभूति आदि प्राप्त होते रहते थे। इनमें कब किस भाव का बाहुल्य अथवा प्राबल्य रहता, इसका निर्णय कर पाना नितांत असंभव था। परंतु वह गुदगुदी, वह रोमांच जो सरकार हर स्थिति में अपनी स्मृति के फलस्वरूप प्रदान करते रहते थे, अपनी जगह बराबर स्थित रहता अविश्वास व भ्रम की स्थिति में भी। इसमें क्या रहस्य था वे ही जाने, पर हम उनके प्रेम जाल में फंसी मछली बन चुके थे। कन्हैया के प्रेम पास में मन प्राण से बंधी गोपियों की तरह हम भी सरकार के श्री चरणों में उनके द्वारा बांध लिए गए थे। प्रभु का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका हास परिहास, व्यंग्यात्मक उक्तियां, लीला वैचित्र, मधुर मनोहारी मुस्कान, कृत्रिम क्रोध, विभिन्न मुद्राएं, परम प्रेमपूर्ण दृष्टि, ललिता चितवनी, वात्सल्य, अपनत्व तथा इन सब में आध्यात्मिक परिपूर्णता, सब ने मिलकर हमें सम्मोहित कर लिया था। सरकार की वह प्राप्त स्थूल काया, दंत विहीन मुख, बढ़ी हुई दाढ़ी, आधी श्वेत आधे से अधिक केस विहीन सिर, अस्त व्यस्त आवरण, बावली मुद्रा और उनमें भी सुलहवो कलाएं जितनी श्याम सुंदर का सा माधुर्य, आकर्षण और सम्मोहन। हम क्या, सभी अन्य भी तो डूब चुके थे उनकी प्रेम तलैया में। हमारे प्रति उनके परम प्रेम, उनकी करुणा, दया, वात्सल्य एवं अपनत्व की कोई मिति, कोई सीमा न थी, परंतु अभी तो केवल झलकी मात्र थी इस गोपी कृष्ण प्रेम की। इसी प्रकार सरकार के विभिन्न रूपों में विचित्र क्रियाएं, लीलाएं चलती रही। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, वृंदावन में, कैंची में और महाप्रभु की हमारे मन प्राण रति गति मति पर जकर बढ़ती चली गई। विलंब से दर्शन बेचैनी का कारण बनने लग गया अब, परंतु साथ साथ हमारा अपना संसार भी चलता रहा, राग विराग सहित, कभी प्रभु संचालित तो कभी प्रारब्ध एवं कर्म फल के अंतर्गत। हम देखते रहे, अनुभूति भी करते रहे प्रभु के अलौकिक क्रियाओं के फलाफल की। कभी ऊंचा उठा लेते, फिर पटक देते धरा पर, कभी निरासक्त कर देते, कभी आसक्ति का वेग बढ़ा देते, कभी अपने सगुण रूप का प्रभाव डालते कि हम सम्मोहित हो जाते पूर्ण रूपेण, पर तभी स्वयं ही निर्गुण रूप निरासक्त बनकर हमारे अंतर में भी वही भाव उत्पन्न कर देते। विरागी, अनासक्त, राम से परम अनुरागी कृष्ण बन जाने में पल का भी समय न लगता, और फिर दूसरे ही क्षण ज्ञान ध्यान में भी डुबकियां लगवाने लगती हमें। परंतु तब तो होश ही ना था हमें कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह शाम, रात दिन, मिनट घंटे, दिन माह वर्ष कब कैसे और कितने बीतते रहे उसका भान भी न रहा। इतनी तीव्र गति से लीलाएं होती, भिन्न भिन्न प्रकार की सी, किसी में भी स्थिर हो पाने की गुंजाइश नहीं रह पाती थी, और न उन पर सार्थक विवेचन का ही अवसर अथवा समय मिल पाता। इस प्रकार इन्हीं क्रियाओं, लीला क्रीड़ाओं के प्रवाह में डूबते उतराते रहे हम, और श्री चरणों की कृपा की छाप गहरी होती चली गई हमारे मनमानस में। अब यह दशा हो चली कि आराध्य देव के समीप जाते ही संसार लोप हो जाता, मन की पीड़ा, भौतिक ताप, भवसागर के कष्ट तिरोहित हो जाते स्वयं ही। आश्चर्यजनक सम्मोहन था कि तार्किक मस्तिष्क भी अपना काम करना भूल जाता, मनमानस की सारी शक्ति प्रभु में समा जाती परिष्कृत होने को। हमारी स्मृति विस्मृति दोनों ही बांध लेते सरकार अपने पास, परोक्ष में रचित अथवा संकल्पित प्रभु के साथ वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, तर्क सभी उनके सम्मुख जाते ही विलीन हो जाते, मानो महाप्रभु की ओर से सबका एक ही उत्तर होता, सब कुछ मैं ही तो हूं।
हम तो मात्र उनके मुख चंद्र को निहारते रह जाते और उसमें जो नैसर्गिक आह्लादपूर्ण रसानुभूति सुखानुभूति होती वही महाप्रभु का दिव्य प्रसाद सभी समस्याओं प्रश्नों तर्कों का उत्तर बन जाता। वर्षों बीत गए इसी प्रकार महाप्रभु की अमोघ शक्ति की सकारता अपना उद्घोष करने लगी। अंतर की कृपणता लोभ मदादि सलभ होम होते रहे प्रभु की प्रेमाग्नि में। महाप्रभु की ओर से कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई नियम नहीं, केवल सानिध्य व सामिप्य और साथ में उल्टा सीधा अनर्गल सा लगने वाला सांसारिक वार्तालाप। पर ऐसे ही वार्तालापों में सुक्त रूप उक्तियों में सारे उपदेश आदेश व्यवहारिक आदर्शों के सिद्धांत गृहस्थ धर्म का निचोड़ प्रकृति और परमेश्वर के रहस्य वेदोपनिषदों में निहित तत्व गीता रामायण भागवत का सार आदि सभी समाहित रहते। इसी प्रकार के चरित्र नित्य प्रति होते रहते और महाप्रभु के अपने दिव्य व्यक्तित्व की गहराई हमें अंतरतम तक सिंचित करती चली गई। स्थिति ऐसी हो गई अब की जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। शायद अभी तक यह केवल मोह की स्थिति थी हमारी, महाप्रभु की लीलाओं का प्रभाव मात्र। परंतु इस मोह ने 11 सितंबर 1973 की संध्या से जब हमें इलाहाबाद में आराध्य देव द्वारा वृंदावन के अस्पताल में महासमाधि ले लिए जाने का हृदय विदारक समाचार मिला था, एक अकथ वीरहाग्नि का स्थान ले लिया जिसकी ज्वाला का ताप असहनीय हो उठा। इस उल्कापात के कठिन आघात के कारण उत्पन्न हुई अपनी निराधार असहाय अवस्था में महाप्रभु की विगत लीलाओं की स्मृतियां जो मन मानस में छन छन कर एक के बाद एक उतरती चली गई, उनका हमारे प्रति अपनत्व उनके प्रेम वात्सल्य की याद ही अब एक मात्र जीवनाधार रह गई। और उन्हीं के विवेचन में ही 12 सितंबर से 29 दिसंबर 1973 तक कार्यालय से अवकाश की अवधि व्यतीत हो गई, जिसके मध्य महाराज जी की सशरीर उपस्थिति में उनकी भ्रामक लीलाओं एवं प्राकृत आचरण तथा अपनी भी अल्प बुद्धि के कारण जो प्राप्त न हो सका था वह धीरे धीरे निर्गुण में प्रविष्ट बाबा जी महाराज की दया कृपा के फलस्वरूप हृदयांतर होने लगा, स्पष्ट से स्पष्टतर होता यथा उनकी लीलाओं में निहित सार, उनकी करुणा दया क्षमा की छवि, उनके मूल तत्व की अनुभूति, उनके अवतार का मूल और साथ में उनके नए नए रूप स्वरूप, उनके श्रीमुख के अपने प्रति वचन की, तुम तो घर के ही हो, तुम्हारी बात और है, बारंबार मन मानस में नादसा करने लगे। और इस नैसर्गिक धारा का प्रवाह बाबा जी महाराज की प्रतिछाया स्वरूप श्री सिद्धि माँ के स्नेहांचल का आधार पाकर कालांतर में और भी प्रगाढ़ वेगपूर्ण होता चला गया। बहुत कुछ कह डाला है अब तक महाप्रभु के गुणानुवाद एवं स्तुति में और अपने लिए भी। क्या यह सब भावुकता का प्रमाद अथवा उसमें बहकर मात्र कल्पना की उड़ान भर थी या महाप्रभु की चमत्कारी लीलाओं का प्रभाव? नहीं, अपने जीवन से संबंधित बड़ी से बड़ी चमत्कारी घटनाएं भी हमें कदाचित इतना आंदोलित इतना प्रभावित न कर पाती जितना कि बाबा जी महाराज की मानवता अपनत्व एवं आत्मीयता भरी छोटी छोटी लीलाओं ने, जिनको इस लीला चरित्र में आगे स्थान स्थान पर प्रबंधित किया जा रहा है। हमें सरकार का तन मन प्राण से दास बना लिया। चमत्कारों की कथाएं तो बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं, ये भी उनमें से ही कुछ एक और होती। और पूर्व में पढ़ी सुनी चमत्कारी घटनाओं का भी तो विशेष असर हुआ नहीं था जीवन क्रम में प्रभावी मोड़ देने के लिए। क्षणिक भावावेश आया था और चला भी गया। महाराज जी के अपनी शक्ति द्वारा की गए चमत्कारों की भी मिति नहीं है जिन्हें हम भी यदा कदा देखते सुनते रहे।
निरक्षर भट्टाचार्य भगवान सिंह से गीता पाठ सुनवाना, खंडित मूर्ति को केवल दृष्टिपात से ही पूर्ण कर देना, बंद कमरे से मशक समान रूप धारण कर निकल जाना, बिना डायनेमो पेट्रोल के अथवा पेट्रोल की जगह पानी से गाड़ी चलवा लेना, घी की जगह पानी में पूरियां तलवा देना, जीवनदान देकर आती मृत्यु को टाल देना, कई स्थानों पर एक ही समय प्रकट हो लीलाएं करना, भंडारे की न्यून सामग्री से वृहद जन समुदाय को तुष्ट करवा देना आदि आदि। इन्हें सुनकर देखकर तत्काल के आनंद के सिवा हमें तो विशेष कुछ प्राप्त नहीं हुआ और न ही हम सरकार के श्री चरणों में इन चमत्कारों से प्रभावित होकर ही इतना बंधे जितना कि उनके हमारे जैसे दीनहीनों के प्रति वात्सल्य प्रेम अपनत्व और आत्मीयतापूर्ण लीला क्रीड़ाओं से विभोर होकर। हमारी तो सदा एक ही पुकार रही, मेरी छूछ गगरिया जब छलके गुन जानू मैं तेरे पनघट का, और सरकार ने हमारे अंतर्मन की यह पुकार सुन ली, छलका दिया हृदयांतर की सूखी प्यासी गागर को। हमें तो जो संसार से नहीं मिला, परिवार से नहीं मिला, राजकीय दरबार से नहीं मिला और करतार से भी न मिल पाया, वह सब अपने सरकार से मिल गया। भरपूर अनन्य प्यार, पूर्ण अपनत्व व आत्मीयता, जिसमें उनकी ओर से प्रतिकार की कोई अपेक्षा कभी न रही। हमें मिली हमारे सांसारिक एकाकीपन में सरकार के अपने व्यक्तित्व की गहनता। हमें मिला अपने संघर्षपूर्ण शुष्क निराशापूर्ण जीवन में पग पग पर उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहारा, सांसारिक झंझावतों के गहन अंधकार में उनकी दया की प्रकाश किरण। चमत्कार यह था कि एक ओर जहां अपनी गर्व प्रहारी लीलाओं से महाराज जी हमारे मूलगत दंभ एवं अहम को चूर चूर करते रहते, वहीं दूसरी ओर हमारे अंतर के सात्विक स्वाभिमान का भी सिंचन एवं उसकी रक्षा करते रहते। यही विश्वास दिलाकर कि जब बाह पकड़ ली जब्बर की, परवाह नहीं है कब्बर की। सरकार द्वारा पोषित इसी स्वाभिमान की शक्ति से हम बिना किसी के समुख किसी प्रकार भी दीनता दिखाए बड़े बड़े सांसारिक झंझावतों प्रारब्धगत संकटों आदि के लर्जते गरजते भवसागर के थपेड़ों के बीच जीवन नैया खेते चले आए, खेते चले जा रहे हैं। प्राकट्य एवं लीला सागर प्रथम पुष्पांजलि। प्राकट्य एवं आविर्भाव सूक्ष्म परिचय। युवावस्था को छूती वय का भस्म लपेटी कौपीनधारी जटायुक्त एक जोगी बाबा हाथों में चिमटा कमंडल ली ग्राम नीब करौरी जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के बीच होते हुए गंगा स्नान हेतु फरुखाबाद जाया करते थे। वय वेश तथा मुखमंडल के तेज से प्रभावित ग्रामवासियों ने एक दिन आपस में मंत्रणा कर जोगी से ग्राम में ही बस जाने का आग्रह किया। जोगी ने भी स्नान के बाद पुनः वहीं लौट आने का आश्वासन दे दिया और स्नानोपरांत लौटकर ग्राम में एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसमें एक साथ नीम और पीपल के तने एक सूत्र में बंधे अपनी अपनी ऊंचाई व फैलाव लिए खड़े थे, आसन जमा लिया। शीघ्र ही ग्राम के कुछ लोग वहां एकत्रित हो गए और जोगी की इच्छा अनुसार पास के एक खेत में भूमि खोदकर उनके आवास के लिए एक बड़ी गुफा बना दी और सर्वकालीन बाबा नीम करौरी जी महाराज अब बाबा लक्ष्मण दास बनकर नीब करौरी ग्राम में रहने लगे। समकालीन भक्तों के लिए एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज की आविर्भाव लीला नीब करौरी धाम से ही प्रारंभ होती है और यहीं से प्रारंभ होती है उनकी अलौकिक कल्याण में लीलाएं, जिनके कुछ अंशों का वर्णन इस स्तुति में किया जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के नागौ ग्राम समूह के अकबरपुर ग्राम में एक कुलीन संभ्रांत वैभवपूर्ण ब्राह्मण परिवार में प्रगटे श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा यानी बाबा जी महाराज,
धन धान्य से परिपूर्ण संपत्ति युक्त अपने पूर्वजों की जमींदारी एवं वैभव को बाल्यावस्था किशोरावस्था के बीच की वह में ही त्याग कर घर से निकल गए थे। जनकल्याणार्थ अवतरित जन्म से ही अंतर मन से परम वैरागी बाबा जी के लिए विमाता का व्यवहार एकमात्र बहाना बन गया गृह त्याग हेतु। अकबरपुर की एक वृद्धा के अनुसार तो बाकी डोर तो सदा राम में ही लागी हती। पैतृक घर से निकलकर जानकारी के अनुसार वे सुदूर गुजरात प्रदेश के मौरवी नामक स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास बबानिया नामक ग्राम में भी 6-7 वर्ष तक तथाकथित योग साधना में रत रहे। यही उनका नाम बाबा लक्ष्मणदास पड़ गया। इस कथित साधना काल में वे अधिकतर वहां एक तालाब में भी गर्दन तक डूबे संसार से दूर रहते थे और तभी उन्हें तलैया बाबा की भी उपाधि मिल गई। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने जब वहां आते थे तो अपने दोपहर का भोजन पानी पास के पेड़ में टांक देते थे। जब खाने का समय आता तो अक्सर पाते कि उनके पात्र पोटली खाली हैं। तब वे पत्थर फेंक कर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ। और बाबा जी हंस हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल निकाल कर उनकी ओर फेंकते थे। महाराज जी द्वारा की गई ऐसी प्रारंभिक क्रियाओं को हम उनकी तपस्या अथवा साधना की संज्ञा देते रहे हैं, किंतु वे तो केवल उनकी त्रिगुणात्मक काया के परिष्करण हेतु की गई क्रिया मात्र थी, न कि सिद्धि प्राप्ति हेतु की गई तपस्याएं अथवा साधनाएं। स्वयं सिद्ध रूप अवतरित बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं, परंतु त्रिगुणी माया से संभूत तथा प्राप्त शरीर को पंचभूतों पंच तत्वों के आकर्षण से मुक्त रखने हेतु रजोगुणी एवं तमोगुणी तत्वों का विभिन्न क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण हर अवतारी विभूति को करना पड़ता है। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, गुरु आश्रमों में रहकर, और सभी अवतारी संत भी करते रहे हैं। इस संदर्भ में महाराज जी ने स्वयं ही अपनी श्रीमुख से अपनी मौज में एक भक्त से कह डाला, पूरन 17 वर्ष की उम्र में ही हमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था, अर्थात त्रिगुणात्मक काया का पूर्ण रूपेण परिष्करण हो चुका था। इसके बाद तो बाबा जी का नीब करौरी में गुफा निवास एक कौतिक मात्र था। अवतार के उद्देश्य से भगत हित लागी की पूर्ति हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में जैसा नीब करौरी में तथा उसके उपरांत की गई लीलाओं से स्पष्ट है। बबानिया में तालाब में घुसे बाबा जी ने उसी के किनारे पर एक हनुमान मूर्ति को भी खुले स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था, जिसके लिए कालांतर में एक मंदिर भी बन गया। परंतु रमते जोगी को एक ही स्थान में रमे रह जाना कैसे भाता, और अवतार का हेतु जन जन का कल्याण एक ही स्थान में बने रहने से कैसे पूरा होता। अतएव 6-7 वर्ष बाद यानी वर्ष 1916 के लगभग मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक महिला संत को सौंप कर पुनः वहां से निकलकर आप उत्तर की ओर चल दिए और नीब करौरी ग्राम को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया, जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है। कुछ काल बाद महाराज जी ने अपनी खेत वाली गुफा त्याग दी तथा एक नई गुफा और बाद में एक कुटी उस स्थान पर बनवाई जो संयुक्त तने वाले वृक्ष से 20-25 गज दूर था उत्तर पश्चिम की ओर। वैसे यह स्थान अत्यंत निकृष्ट था, जहां पास में मनुष्य गधे और सुअर सभी विष्ठा करते थे, परंतु सकल भूमि गोपाल की वाले बाबा जी के लिए यह कोई रोग का कारण नहीं हो सकता था। शीघ्र ही वहां कुछ हटकर पेड़ के उस पार महाराज जी ने एक हनुमान विग्रह की स्थापना भी कर दी। मूर्ति दीवार से सटकर सीमेंट की बनाई गई।
हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूज जनी उसाजे वाली मुद्रा लिए। उसी के पास वृक्ष के दूसरी ओर एक शिवलिंग की भी स्थापना कर दी, एक हवन कुंड भी बनवा लिया। अब वहीं पर महाराज जी की चौपाल भी लगने लगी थी। भक्तों एवं गांव वालों की भीड़ कीर्तन भजन तथा भिन्न भिन्न पौराणिक एवं अन्य प्रकरणों पर वार्ताएं भी यहीं चलती रहती। इस मंदिर के पूर्ण रूपेण यथाविधि प्रतिस्थापना में बाबा जी महाराज ने एक माह के हवन यज्ञ महोत्सव का भी आयोजन किया। लीला नायक के इस यज्ञ में जगह जगह से प्राप्त सैकड़ों मन हवन सामग्री व घी आदि का प्रयोग हुआ। इसी के साथ वृहद भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांव एवं जिलों से आए हजारों स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवतियों ने नित्य हलवा पूरी आलू का प्रसाद पाया। इसी अवसर पर बाबा जी महाराज ने अपनी जटाओं का भी विसर्जन कर दिया। इसके बाद महाराज जी की प्रसिद्धि ख्याति स्वतः चहु ओर फैलने लगी। अब तो और भी दूर दूर से भक्त जिज्ञासु आरत दीने दुखी उनका अमोघ आशीर्वाद पाने नीब करौरी आने लगे। अब तक का यह नगण्य सा गांव एक तीर्थ का रूप ले उठा और इसके अधिष्ठाता मूर्ति रूप में हनुमान जी और शरीर रूप में बाबा जी महाराज सर्वमान्य हो गए मनसा पूर्ति हेतु। द्वितीय पुष्पांजलि नीब करौरी में लीलाएं। महाराज जी के नीब करौरी प्रवास के मध्य जो जो लीलाएं हुई उनका क्रमवार अथवा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी शरीर लीला के बाद श्री सिद्धि माँ के बार बार नीब करौरी पधारने पर तथा आग्रहपूर्ण जिज्ञासा व्यक्त करने पर महाराज जी के प्रवास काल के कुछ जीवित बचे वृद्धों तथा अन्य लोगों जैसे चौबे जी श्री राम सेवक गुप्ता सुदामा देवी जी जिन्हें गांव छोड़ने के पूर्व महाराज जी मंदिर का कार्यभार सौंप गए थे अब दिवंगत, एक वृद्ध मुसलमान भक्त लालता प्रसाद कन्नौजिया आदि आदि द्वारा महाराज जी की लीलाओं के कई रोचक अलौकिक प्रसंग सुनने को मिले। यद्यपि 40-45 वर्ष पूर्व की इनकी स्मृतियां कुछ धुंधली सी पड़ गई थी, परंतु कुछ प्रसंग इन्हें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से स्मरण थे। जैसे खेत में बनाई गुफा में एकांत में समाधिस्थ बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश ना करे। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध फल तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिया द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचादि से निवृत्त होते यह कोई ना जान पाता। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंक कर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था बाबा जी लेटे हुए हैं, अर्धनग्न समाधिस्थ थे और बड़े बड़े फणीधर यानी नाग उनके चौड़े वक्ष में खेल रहे हैं। महाराज जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेरुआ के पीठ पर सवार हो गांव में घूम फिर लेते थे। शिव के भैरव स्वरूप में बाबा जी के हृष्ट पृष्ट जवान शरीर के भार को वह कुत्ता कैसे वहन कर ढो पाता था, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी ही कर सकते हैं। गांव वालों के लिए यह तथ्य पहले ही बना रहा, परंतु अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार भारी हल्का कर लेने की अनेक कथाएं जिनमें से यहां भी आगे कुछ एक दी जा रही है इस रहस्य पर यही प्रकाश डालती है कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले बाबा जी के लिए अपने शरीर के तत्वों की मात्रा में वृद्धि अथवा न्यूनता ले आना महज एक कौतुक मात्र होता था। अपनी तरुण अवस्था की मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा कबड्डी लुका छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गांव वालों से अपने को छिपाए रखने का यह भी एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से पार पा सकना किसी के वश की बात न रह जाती। शक्ति में और सांस रोकने में
योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। सब मिलकर एक साथ भी, और लुकाछिपी में बाबा जी तो सबको क्षण भर में ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास ही खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता। और तभी वे एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। इसी प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उनका पहुंच जाना भी रहस्य ही बना रहा। और आम के मौसम में गांव वालों से बदकर यानी शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक था। किस योगाग्नि में इतनी संख्या में आम समाहित हो जाती किसी को खबर ना होती। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा यानी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक है, पर संक्षेप में ये 7-8 भक्त लालटेन के साथ पूरी पकवान मिठाई फल फूल धूप शंख घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं साथ में कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ पर हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धस्ती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि घंटा घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल की घंटे ने रात्रि के 12 बजाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो विकट आकार की बड़ी बड़ी सिंह वाली 2 सांड, एक काला और एक सफेद एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपने सिंह झुकाते, मानो एकादश रुद्र को नांदी अपने 2 रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हो। यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया, दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गई तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूल का यह सांड कल्पनातीत प्रतीत होते थे। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहां नित्य सुबह शाम पूजा आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहां पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोली, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, वे दो सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहां महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहां महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय राम, श्री राम जय राम चलता रहा। और अब हर पर्व को तथा मंगलवार गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे,
बाजीगर की जमूरों की तरह। स्थानीय लोगों के मन में यही शंका बनी रही थी कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं। एक छोटे विग्रह की स्थापना में तो उक्त दशा हुई थी, और यदि उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर यह स्थान जनसाधारण द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाएगा भी कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक की जगह तीन तीन मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए, जो आज भी यानी वर्ष 1993 में 39-40 वर्ष से यथावत अपनी जगह खड़ी हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा से करती पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर भारी वाहन भी चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चली है, तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञानुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया, तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न किसी अर्ध चेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपूट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय अपनी मां से यह सब कह सुनाया, तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपूट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए, और तब एक सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा न रही, परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वे तो जनता तथा भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में आगे वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न लकड़ी कोयला राशन घी तेल का ही भंडारण था, और न बर्तन भांडे ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। तीन दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही रात दिन की थमने का नाम नहीं। जो भक्त बाबा जी के साथ थे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। शायद किसी को इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर ही शंका हो चली हो। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ बेकार बैठे हो यहां, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुंचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से डोट्यालों यानी पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा बात की बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद भवानी हेतु पत्तले नहीं आई थी। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तले नहीं।
जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी दूसरे दिन। तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा महाराज ने पत्तले भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पत्तलों के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं थी दोनों। डोटियालो एवं पत्तलों के व्यापारी की इन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण। और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले। द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कंस्टरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। इस बीच घी चूकने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कंस्टरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वहां घी भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जनसाधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर। जब मंदिर भवनादि सब बन गए तो एक और वृहद भंडारे की मनसा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था, नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे तब 4-5 हजार की संख्या में। अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा पूरी आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम कहां से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा था, आज यहां की सब आत्माएं तृप्त हो गई है, अब यहां शांति रहेगी। स्पष्टतः इशारा मनोरा शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपनी मनोहारी लीला करते रहे। बाबा जी के आगमन पर नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन में स्थान फल पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर आरती सजाकर वे ले आ पहुंचती थी बाबा जी के समक्ष।
बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा वहां बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का भी सूत्रपात कर दिया गया है। बजरंगगढ़ के प्रवास काल की भक्तों के साथ की गई कुछ अन्य लीलाओं का वर्णन आगे भी दिया गया है। भूमि आधार हनुमान मंदिर। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। लीला क्षेत्र बदलने जो थे, पूर्व में भी जब नैनीताल आते थे तो गीठिया भवाली के बीच भूमि आधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वही नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन भजन पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती। अब तो उन्होंने भूमि आधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमि आधार पहुंच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गधेरों के ऊपर बने पुलों के नीचे बीत जाती इन गिने भक्तों के साथ। तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकाननुमा भवन को अर्पण कर दिया मोटर रोड के किनारे ही। आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्व से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहां एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमि आधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमि आधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर यानी हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब आया कैंची धाम के मंदिर की स्थापना का योग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके पूर्वकालिक भक्तों को उनके अपने प्रति प्रेमा भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव तो बाबा जी ने अपने इन जन जन्मांतरों के भक्तों के ऊपर बाद में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए कुछ मुकदमे के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आ गई थी, फिर भी मन में सवारी पाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर आए। परंतु अंधेरा होने को आ गया पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश हो वे पैदल ही कैंची ग्राम की ओर चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया डांट नामक स्थान के भूत से वे डरते रहे। और जब उस स्थान के करीब पहुंचे तो देखा कि पैरापेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया। पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त हुए कि वह भूत नहीं है। उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए, केवल औपचारिकतावश। साधु महाराज ने तब कहा, जा, डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी ससंकित भाव से पुनः औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधु जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है। तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद। अब जा। इस उत्तर से
और भी अधिक ससंकित हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए, परंतु साधु महाराज की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रक भी मिल गया उन्हें कैंची तक पहुंचाने को। फिर भी उनके लिए यह घटना शीघ्र ही आई गई हो गई, परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैंची में ही महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए। वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धि मां तथा उनके पति अब स्वर्गीय श्री तुलाराम शाह जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदनलाल शाह को, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने श्री प्रेमलाल माथुर की कार में रानीखेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुलाराम जी के समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि मां का माथा ठनका और रानीखेत पहुंचकर थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि भी हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि जब ये लोग मार्ग में ही थे तभी नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था सब कुछ। कुछ देर रानीखेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले, परंतु कैंची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापीट पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलाया गया। कुछ देर वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की तिवारी जी को स्मृति हो आई। तभी तिवारी जी से बाबा जी ने खोद खोद कर स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जमाए और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे आदि आदि। तब महाराज जी ने वह स्थान वह गुफा देखनी चाही। श्री सिद्धि मां के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए, वहां शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैंची धाम को अपनी चरण रथ से विभूषित किया। तदुपरांत गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धूनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धूनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा, तो जंगलात के हलकारों ने आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त तत्कालीन कंजर्वेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र लीज में कैंची जंगल की वह भूमि जो आज मंदिरों एवं आश्रमों से आच्छादित है अधिग्रहित करवा ली और इसके साथ ही कैंची धाम की स्थापना की भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व की मनसा शक्ति अपना स्वरूप लेने लगी। वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए राम कुटी बन गई। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णव देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी, देखते देखते खड़े हो गए। साथ में कुछ आवासीय कुटिया भी बन गई। बीहर जंगल एक बड़ी बड़ी चट्टाने हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम क्रमशः राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। अब बाबा जी महाराज अधिकतर भूमियाधार और कैंची धाम में ही उत्तराखंड में प्रवास के मध्य रहने लगे थे। भक्तों, भंडारों, भजनों, कीर्तनों की दिनों दिन वृद्धि होने से दोनों स्थानों में धूम मच गई। कैंची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून नियत कर दिया था। जब वह हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और यह 15 जून सदा के लिए
कैंची धाम में शुद्ध घी में बने मालपुओं के भंडारे के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं दूर दूर से आए भक्तगण छककर प्रसाद पाते हैं और बांधकर घर भी ले जाते हैं। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अलौकिक घटना प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार यह थी कि बाबा जी महाराज ने एक छोटी बाल्टी भर दूध हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से पिला दिया। उपस्थित भक्त यानी श्री किशन चंद्र तिवारी आदि केवल यही देख पाए कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर शेष हो गया, केवल एक पतली सी दूध की धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों पर लगा था। इसी प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णवी देवी के मंदिर का भी प्रतिष्ठापन श्री कैची धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो गया। श्री विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना प्रभु स्वयं करा गए थे तथा वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना का पूरा प्रबंध अपने निर्वाण यानी 10 सितंबर 1973 के पूर्व स्वयं ही कर दिए थे। इस कैंची धाम के मंदिरों आश्रमों की सेवा के संदर्भ में बाबा जी श्री सिद्धि माँ से कह गए थे कि अम्मा तू देखना मंदिर और आश्रम की सेवा और ही करेंगे। और अब हो भी ऐसा ही रहा है कि कैंची धाम की महिमा इतनी वृहद विख्यात हो चली है कि कुछ पुराने अनन्य सेवक भक्तों को छोड़ मंदिर आश्रम की सेवा हेतु हर वर्ष और ही नए नए उत्साही भक्तों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जो तन मन तथा धन से धाम की सेवा में रत हैं। और जहां पूर्व में 15 जून के भंडारे में 7-8 हजार की संख्या में भक्त मंडली तथा जनता सम्मिलित होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 35-40 हजार से ऊपर जा चुकी है, जबकि मंदिर दूर पहाड़ों जंगलों के बीच साधारण से गांव में नदी के पार स्थित है। बाबा जी कह भी तो गए थे, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम का प्रसाद पाने आएंगे। अब तक पाश्चात्य देशों के सैकड़ों भक्त एवं दर्शनार्थी भी धाम दर्शन को आ चुके हैं, आते रहते हैं। आगंतुकों एवं विभिन्न आश्रमों से आए दर्शनार्थियों से यही सुनने को मिलता है कि धाम के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस भंडारे की बढ़ती समस्या थी प्रसाद पवाने हेतु उचित एवं बड़े क्षेत्र की उपलब्धता, निरंतर बढ़ती यानी प्रसाद पाने हेतु आती जनता को देखते हुए खुले स्थान में धूप एवं यदाकदा होती वर्षा के कारण यह संभव ना हो पाता था। तब 8वें दशक में श्री मां महाराज के प्रति समर्पित श्री अर्जुन दास जी एवं विनोद जोशी की सूझबूझ के अंतर्गत धर्मशाला की छत पर एक स्थायी रूप की टीनों की छत डाल दी गई, लोहा ईंट सीमेंट द्वारा पक्के स्तंभों के ऊपर, तब चारों ओर से खुले पर ऊपर से धूप वर्षा एवं पक्षियों से सुरक्षित इस कई वर्ग मीटर क्षेत्र ने, जिसमें एक बार में 1500 से ऊपर की संख्या में जनता भोग प्रसाद पा लेती है एवं गंभीर समस्या का अत्यंत सरल रूप से निराकरण कर दिया। इसके साथ ही जनता की निकासी हेतु एक अस्थायी पुल भी बनाया जाता है हर वर्ष। काकड़ी घाट मंदिर। कैंची धाम के मंदिरों के निर्माण के साथ कैंची ग्राम से 22-30 किलोमीटर दूर स्थित काकड़ी घाट नामक गांव में महाराज जी ने भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना करवा दी। यह स्थान पूर्व में श्री सोमवारी महाराज का लीला क्षेत्र रहा है। उनके समय की धुनी एवं शंकर जी का छोटा सा मंदिर अब भी सुरक्षित है, जिसका जीर्णोद्धार भी श्री सिद्धि माँ ने करवा दिया है। यह मंदिर बनवाकर बाबा जी महाराज ने सोमवारी बाबा की स्मृति को भी उनके भक्तों में पुनः जागृत कर दिया। इसी काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिव मंदिर में स्वामी विवेकानंद को प्रथम बार भाव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में हनुमान मूर्ति के प्रतिष्ठापन से पूर्व महाराज जी ने एक विचित्र लीला रच डाली। पूर्व में यह नदी पार मंदिर को जाने के लिए एक अत्यंत संकरा पुल था,
तथा पुल के उस पार से मंदिर तक जाने के लिए एक कच्ची तंग पगडंडी थी जो अक्सर टूट जाती थी। हनुमान जी की मूर्ति 6-7 फुट ऊंची भारी संगमरमर की है। जब इस मूर्ति को नदी मार्ग से उस पार ले जाया जा रहा था प्रतिष्ठापन हेतु, तो ना मालूम कहां से अनगिनत संख्या में बंदर आकर पुल पर, पेड़ों पर, नदी के इस पार और उस पार एकत्र हो गए और अत्यंत जोश खरोश के साथ चींची कर शोर मचाते रहे बड़ी देर तक, मानो वानरी सेना अपने नायक का स्वागत कर रही हो। इतनी संख्या में ठीक उसी समय बंदरों का वहां इकट्ठे होकर यह आचरण अप्रत्याशित होने के साथ साथ बाबा जी महाराज की सृजनात्मकता का एक अभूतपूर्व कौतुक था। जबकि उस स्थान में इतनी संख्या में बंदर न तो कभी रहे और न अब दिखते हैं। समुचित मार्ग न होने के कारण 6-7 फुट ऊंची संगमरमर की भारी मूर्ति भी स्वतः हल्की हो गई फिसलनदार पत्थरों से भरे नदी मार्ग से पार उतरने को। महाराज जी का एक और खेल। पिठौरागढ़ मंदिर। इसी बीच महाराज जी के उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भ्रमण के मध्य उनके आदेशानुसार पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में भी भक्तों के द्वारा एक रमणीय टीले पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति के साथ एक मंदिर भी बना दिया गया, जिसके निर्माण एवं प्रतिष्ठापन में स्वर्गीय हीरालाल शाह यानी हब्बा जी एवं उनके पुत्र श्री बसंतलाल शाह जी का अथक सहयोग रहा। महाराज जी की प्रेरणा से उनकी निर्वाण प्राप्ति के बाद भी भक्तों ने, जिसमें तत्कालीन परगनाधिकारी श्री महेश्वर लाल की प्रमुख भूमिका रही, इंडो टिबेटन बॉर्डर के पास धारचुला एवं उससे भी आगे मानसरोवर जाने के मार्ग पर स्थित अंतिम भारतीय चौकी जिप्ती में भी हनुमान जी को स्थापित कर हमारे देश की उत्तरी सीमा को अहम सुरक्षा संबल दे दिया। धारचुला मंदिर नेपाल को अलग करती काली नदी के इस पार स्थित है। भारत की ओर के भी तथा नेपाल की ओर के भी इलाके अत्यंत पिछड़े एवं गरीब तथा एक प्रकार से भक्ति भाव विहीन रहे थे, पर हनुमान जी के वहां विराज जाने के बाद न केवल भारतीय वरन उस पार की नेपाली जनता भी भक्ति मार्गी बन उठी। साथ में दोनों ही देशों की धारचुला एवं दरचुला की जनता में आपसी प्रेम एवं समृद्धि का प्रवेश हो गया। जिप्ती में जहां एक मुसलमान सैनिक द्वारा मंदिर की नींव डाली गई, वहीं एक ईसाई सैनिक ने मंदिर का निर्माण किया। सभी धर्मनी के अनुयायी तुम्हें मनावे शीश झुकाई वाले बाबा जी का एक और कौतुक यह भी था। उतनी खड़ी चढ़ाई में उतनी ऊंची जिप्ती चोटी तक हनुमान जी सैनिकों के कंधों पर सवार होकर पहुंची गए। इसी प्रकार गर्जिला क्षेत्र के कोटमन्या नामक एक गांव में भी भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर महाप्रभु की प्रेरणा से स्थापित हो गया, जिसके निर्माण में एक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र जोशी की प्रमुख भूमिका रही। मंदिर में जब प्लास्टरिंग हो चुकी थी 3/4 से भी अधिक तो घटाएं घिराई तथा बूंदे पड़नी प्रारंभ हो गई। स्पष्ट था कि कच्चा प्लास्टर बह जाता और गरीब जनता द्वारा चंदा कर यह निर्माण कार्य नष्ट हो जाता। तब सभी ने हताश होकर महाराज जी से रक्षा हेतु प्रार्थना की और तभी उस क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई, जबकि आसपास खूब मेह बरसता रहा। पंचम पुष्पांजलि। एकादश रुद्र हनुमान जी बाबा जी महाराज के परिप्रेक्ष्य में। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। बाबा जी महाराज ने जहां भी मंदिर स्थापित किए वे मुख्यतः हनुमान आराधना हेतु ही, साथ में जो भी अन्य देवी देवताओं जैसे दुर्गा, विंध्यवासिनी देवी, वैष्णो देवी, वृंदावनेश्वरी, श्री राम जानकी, श्री लक्ष्मी नारायण, शंकर भगवान, गणेश आदि के मंदिर बने, वे मूलतः जनमानस की अभिरुचि की तुष्टि हेतु ही बने। संस्कारबद्ध अथवा पारिवारिक और परंपरागत मान्यताओं से बंधे भक्तों की मनेच्छा पूर्ति हेतु वर्ष 1973 जून माह में कैंची धाम में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर को इंगित कर
महाराज जी ने मुझसे कहा भी था, तुम्हारे पहाड़ में देवी को मानते हैं, ताइसो हमने विंध्यवासिनी का मंदिर भी बनवा दिया। महाराज जी ने हनुमान जी के कितने मंदिर अन्य स्थानों में बनवाए ज्ञात नहीं, परंतु जानकारी के अनुसार उनके द्वारा मुख्यतः प्रथम हनुमान मूर्ति गुजरात में मोरवी नामक क्षेत्र के बबानिया ग्राम में जलाशय के किनारे प्रतिष्ठित हुई थी। इसके उपरांत उनके द्वारा ग्राम नीब करौरी यानी फरुखाबाद, बजरंगगढ़, भूमि आधार, कैंची धाम, कांकड़ी घाट यानी नैनीताल में, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, हनुमान सेतु लखनऊ, दो मंदिर पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में, पनकी कानपुर में, जौनापुर दिल्ली में और तारा देवी शिमला तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में बनवाए गए। परंतु अपने यश अपनी ख्याति के प्रति सर्वथा उदासीन बाबा जी ने इन मंदिरों आश्रमों में कहीं भी अपना नाम नहीं आने दिया और सभी मंदिरों आश्रमों को हनुमान जी के नाम से निर्माण कराने के उपरांत उनकी समुचित व्यवस्था कर उन्हें विभिन्न ट्रस्टों को सौंपते चले गए। अपने को सर्वथा तटस्थ रखते हुए यह तो उनकी तथाकथित महासमाधि के बाद ही भक्तों ने इन मंदिरों आश्रमों में बाबा जी महाराज का नाम जोड़ दिया, जिसके ही फलस्वरूप हर मंदिर हर आश्रम उनका सर्वसिद्ध नाम धारण कर स्वयं में उत्तरोत्तर प्रसिद्ध एवं सार्वभौम समृद्ध प्राप्त करने लगा और उनका यही नाम साथ साथ इन मंदिरों आश्रमों में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत बन गया। महाराज जी द्वारा हनुमान मंदिरों के ही निर्माण पर इस विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के कारण भक्तों एवं जनता जनार्दन में उनके प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो गई। कोई उन्हें हनुमान भक्त तो कोई हनुमान सिद्ध और कोई उन्हें स्वयं एकादश रुद्रावतार हनुमान मानने लगे। बाबा जी महाराज की स्वयं की लीला क्रीड़ाओं में भी हनुमान जी के सदृश ही आचरण दिखाई देता था, यथा सूक्ष्म शरीर यानी मशक समान रूप धारण कर बंद कमरों से लोप हो जाना, भीम का शरीर बना लेना, भारहीन हो जाना, वानरी रूप धारण कर लेना, अत्यंत भारी हो जाना, वज्र सम कठोर देह कर लेना, क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच जाना आदि आदि। ऐसी लीलाओं के कुछ दृष्टांत आगे दिए जा रहे हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज शिव शक्ति के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी के ही अवतार हैं। महाराज जी स्वयं भी भक्तों को सदा हनुमान आराधना हेतु विशेष रूप से प्रेरित करते रहते थे और उनसे विशेषकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान बाहु आदि का पाठ करवाते रहते थे तथा हनुमान जी की स्तुतियों पर आधारित पुस्तकें भी बांटते बंटवाते रहते थे। बाबा जी महाराज द्वारा माँ सीता से अष्ट सिद्धि नव निधि के अजर अमर दाता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त विभूति हनुमान जी की आराधना हेतु विशेष बल दिए जाने के कई कारणों में एक कारण विशेष यह भी रहा कि समस्त देवी देवताओं के मध्य केवल हनुमान जी ही संकट मोचन की क्षमता एवं उपाधि से विभूषित हैं। वैसे भी शंकर भगवान के अंशावतार हनुमान जी स्वयं भी आशुतोष औढ़र दानी हैं और थोड़ी सी आराधना से ही द्रवित हो भक्त की रक्षा करने एवं उसका संकट दूर करने तथा भक्त को राम जी के सम्मुख करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे ही वे राम काज का विशेष अंग मानते हैं और उनकी आराधना व कृपा प्राप्ति हेतु अनेका अनेक विधाओं, अनुष्ठानों, मंत्रों एवं स्तुतियों के मध्य जिनका अनुसरण एवं निर्वाह कर पाना जनसाधारण के लिए संभव नहीं, केवल सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा ही, विशेषकर हनुमान चालीसा सबसे सरल सहज कुंजी है जो अनबुझे अनपढ़ के लिए भी सर्वथा संभव है और इसी कारण ही श्री माँ भी सदगुरु भगवान बाबा जी द्वारा प्रदत्त इस महामंत्रों वाली हनुमान चालीसा के पाठ को ही बाबा महाराज के सभी धामों में अन्य कार्यक्रमों की तुलना में विशेष महत्व देती है। कृष्णावतार चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह द्वापर के अवतार श्री कृष्ण की आराधना की पुनः जागृति हेतु भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर बनवा दिए तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन को प्रधानता दिलवाई और रामावतार सदगुरु रामानंद जी ने भी यही काम श्री राम आराधना की पुनः जागृति हेतु किया, उसी प्रकार
एकादश रुद्रावतार बाबा नीब करौरी जी महाराज ने भी, जो भगवान शंकर के अंशावतार, संकट मोचन, हनुमान जी के विशाल रूप एवं भव्य मंदिरों का निर्माण एवं उनमें हनुमान जी की सर्वांग सुंदर मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करवा दिया तथा जनसाधारण के कष्टों के निवारणार्थ हनुमद आराधना हेतु श्री हनुमान चालीसा को सबल समर्थ माध्यम बना दिया। प्रसंगवश हनुमान चालीसा पाठ के प्रभाव का एक अनुभव श्री गंडा ने यूं सुनाया। मेरे दोनों पैरों में अक्सर रात के वक्त अत्यंत पीड़ा युक्त क्रैम्प्स यानी मरोड़ पड़ जाते थे और मैं विकल हो उठता था। अपनी अमेरिका यात्रा के समय मैं इस हेतु दवाइयां भी ले लिया करता था। एक रात बोस्टन शहर में पुनः ऐसा हो गया। दवाओं ने भी कोई असर न किया और मैं विकल हो रोने रोने को हो गया। जब काफी समय हो गया और पीड़ा कम न हुई तो मैंने बड़े कातर भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। 3-4 आवृत्तियों के बाद ही मेरी पीड़ा कम होने लगी और धीरे धीरे लोप हो गई। तब से जब भी मुझे पीड़ा होती है तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देता हूँ और शीघ्र ही मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलने लग जाती है। और अब तो ऐसे मरोड़ों की संख्या भी बहुत कम हो चली है। पीड़ा की भीषणता भी कम हो गई और उसकी अवधि भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाधा तथा व्यथा से मुझे शीघ्र ही पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। केवल श्री हनुमान चालीसा की महौषधि से ही। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। SD गंडा, रिटायर मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक। इस महाराज का प्रभाव केवल नैनीताल, बजरंगगढ़ अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैंची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उन ब्रज गोपियों के अंतर में जो पूर्व में महाराज की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह अंधेरे ही चल पड़ती अपने अपने घरों से भूमियाधार कैंची के लिए, जहां भी बाबा विराजमान रहते थे। पैदल बिना भय के, बिना मार्ग में शमशान घाट कब्रिस्तान की परवाह किए बिना मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती गाती अपने कन्हैया की बंसी की तान से सुनती उसका यश गान करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुंच इन्हें खाने को मधुर मिष्ठान अथवा मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत बाबा महाराज की कहीं अनकहीं सुननी पड़ती और घर लौटकर अपने पति एवं परिवारजनों से कठोरतम प्रताड़ना एवं उलाहने सुनने पड़ते। किंतु बाबा महाराज के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड मान्य थे। केवल अपने आराध्य अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति हेतु, उनका सानिध्य प्राप्त करने हेतु बाबा महाराज भी इनकी हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते रहते, प्रताड़ित अपमानित कर। परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन पर्शन मात्र ही था। इन्हें उस प्रताड़ना अपमान आदि में भी परमानंद की अनुभूति होती। उन दिनों कैंची से नैनीताल, भोवाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक बस आती थी 5 बजे शाम में। तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट डपट कर खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाए। पर मैया थी कि कोई इधर दुबकी रही, कोई उधर छिपी रही, किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नजर से कौन बच सकती थी। बाबा जी महाराज या तो स्वयं ही अथवा हब्बा जी यानी स्वर्गीय हीरालाल शाह के द्वारा इन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकलवा देते और फिर सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता। अंधेरे ही कैंची पहुंच जाना, दिन भर डांट डपट सुनना, रोना हंसना और मगन रहना और संध्या समय घर को भेज दिया जाना बरबस। पुनः कैंची धाम के प्रारंभिक दिनों में उत्सवों के अवसरों पर माइयों को सेवा हेतु रात्रि काल में भी वही विश्राम की आज्ञा मिल जाती थी उत्सव अवधि के लिए। तब आश्रम में स्नान आदि के लिए आज किसी व्यवस्था के अभाव में ये माताएं अंधेरे ही पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा में
नहाना धोना कर लेती थी। इस अवधि में कभी कभी बाबा जी महाराज की मौज के अंतर्गत इन्हें या तो अनुपम नैसर्गिक दिव्य वाद्य सुनाई देने लगते या अत्यंत मोहक बंसी की तान। इस तान को सुन ये मंत्र मुग्ध हुई भूल जाती अपने को, नहाने धोने के विभिन्न मुद्राओं के मध्य अचेत हुई वैसी की वैसी रह जाती। कभी कभी बाबा जी इन्हें गर्गाचल में साधनरत सिद्धों के भी दर्शन करवा देते जो स्वयं भी इस गंगा में स्नान हेतु आए होते, और कभी तो विशिष्ट स्तर की माताओं को कैंची धाम की पहाड़ियों के शिखर पर अत्यंत ज्योतिर्मय सिद्धों देवताओं की बारात भी दिव्य वाद्य यंत्रों एवं घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ। बाबा महाराज के अपने इस ब्रजधाम में उनके द्वारा अपने इन ब्रज गोप गोपियों के साथ संपन्न ऐसी अलौकिक गाथाओं की कोई मिति नहीं, कोई सीमा नहीं। गोपी चाहे रूसी गांव की हरिजन कुमारी हो अथवा हरिजन बस्ती की बाल्मीकि हो, चाहे संपन्न उच्च घराने की माई हो, चाहे आर्थिक रूप से दीन, चाहे युवा हो अथवा वृद्धा अतिवृद्धा, सुरूप हो अथवा कुरूप, फलस्वरूप अपने श्री चरणों की जो अमिट छाप महाराज जी इनके अंतर में लगा गए वह आज भी यथावत बनी है। अभी तो बाबा महाराज के अंतर्धान हो जाने पर तो और भी घन हो चली है। ऐसी माताओं बहनों एवं गोप सखाओं के अंतर में बाबा महाराज की वही मूरत पूर्ण रूपेण साकार बनी है और भी अधिक उज्ज्वल होती। बाबा जी के प्रति तब के सेवा भाव एवं प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि लिए। तब बहुत कुछ लौकिक सा भी था और सीमित सा भी, जो अब महाराज के असीम हो जाने पर स्वयं भी अपरिमित हो चला है। बाबा महाराज की यह प्रेम गंगा गंगोत्री से उत्तरवाहिनी होकर दीर्घकाल के लिए मानो स्थिर सी हो गई तीर्थराज यानी उत्तराखंड में, जहां से दयापूर्ण कल्याणकारी बादलों का रूप लेकर जहां तहां बरसकर अंततः यह पुण्य सलीला पुनः दक्षिणवर्ती हो गंगा सागर यानी वृंदावन धाम पहुंच अंतर्ध्यान हो गई। और अब तो गोमुख यानी जन्म स्थान अकबरपुर भी पुनः ज्योतिर्मय हो जाएगा शीघ्र ही बाबा जी की मूर्ति के प्रतिष्ठापन के साथ। राम राम कहते सब काम बन जाते हैं। संकट में साहस न खोना, आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। चतुर्थ पुष्पांजलि, उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना। उत्तराखंड वासियों की अपनी प्रतिनिष्ठा, सहज प्रेम और अपनत्व के प्रतिदान स्वरूप महाराज जी ने भी उनके प्रति अपने अमर प्रेम की प्रतिमूर्तियां श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर तथा श्री कैंची हनुमान मंदिर एवं आश्रम उन्हें प्रदान कर दिए, जिनका सूक्ष्म में वर्णन महाराज जी की उत्तराखंड में की गई कुछ लीलाओं के साथ इस पुष्पांजलि में तथा आगे भी किया जा रहा है। बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए चयन कर लिया। पहाड़ इतना कच्चा था कि धसता रहता था और इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा ही खतरा बना रहता था, विशेषकर वर्षा ऋतु में। साथ ही पार्श्व में स्थित मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। वहीं पर शीतला देवी का मंदिर भी इसी हेतु बना था। दिन ढलने के उपरांत कोई घाटी की तरफ अकेले जाता भी न था भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान के विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मनसा तो बना ली, परंतु इसके पूर्व इस हेतु जन जन के अंतर में भी हनुमान जी को स्थापित करना भी आवश्यक था। उत्तराखंड में तो सदा से ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है, यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं परंतु उनकी आस्था केवल राम और कृष्ण तक ही सीमित रही। वैसे भी बहुल संख्या में भी
भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही स्थापित थे। हनुमान जी के मंदिर एक प्रकार से नहीं के बराबर थे और हनुमान जी को मात्र वानरी सेना का एक नायक एवं रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। अतएव प्रथम तो बाबा जी ने घर घर में अखंड रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया, सामूहिक रूप में भी और एकाकी भी। इस बाह्य क्रिया के साथ साथ उन्होंने अपने संकल्प मात्र से जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। वस्तुतः जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई। परंतु स्थानीय जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पार्श्व में ही एक प्रकार की शमशान भूमि होने के कारण जनता की दृष्टि में सर्वथा तज्ज एवं हेय थी, हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। यह भी बाबा जी भली भांति जानते थे। अतएव नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ किशनपुर यानी कृष्णापुर नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर से आगे प्रतिदिन एक एक पैरापेट यानी सड़क के किनारे खड्ड की तरह टुकड़े में बनी चार दीवारी पर बाबा जी शाम शाम को बैठ जाते थे। भक्त समुदाय भी वहीं एकत्रित हो जाती, सड़क के किनारे चाय भी बन जाती, भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी इन गिने चुने भक्तों के साथ कभी कभी रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक रुक रुक कर चला और आगे आगे बढ़ते एक दिन पगडंडी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चल गए और वहीं आसन भी जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय मैया भी पहुंच जाती थी, तरह तरह के भोग प्रसाद लिए, छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे वहीं घोर शमशान भूमि के पार्श्व में। चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलते और बाबा जी की आरती पूजन भी, ढेरों प्रसाद का वितरण होता रहता। जितना भी जो कुछ भी प्रसाद रूप आता सब पूरा का पूरा उसी दिन बट जाता। खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे, यही कहते रहते महाप्रभु। भीड़ बढ़ने लगी, कीर्तन, भजन, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ गूंजने लगे। संध्या समय सब चले जाते पर कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छाक रात भी वहीं बिता देते, धूनी चलाकर कुछ पक्के भक्तों के साथ।